स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, हम जानते हैं कि आम जनता की सुरक्षा के लिए हमारे कानून में पुलिस की व्यवस्था की गई है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पुलिस हर समय हर जगह तो हमारे साथ मौजूद नहीं हो सकती, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि खुद की सुरक्षा के लिए आप द आर्म एक्ट 1959 के तहत बंदूक या किसी भी हथियार का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्ट के तहत कोई भी भारत का नागरिक आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस की अनुमति लेने के बाद हथियार रख सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये हथियार केवल खुद की सुरक्षा के लिए होते हैं, ना कि अपना रुतबा साबित करने के लिए या किसी को डराने धमकाने के लिए। और हम आपको बता दें कि अगर बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति हथियार रखता है, यानी अवैध रूप से किसी के पास हथियार मिलते हैं, तो ये एक अपराध माना जाता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को 7 से लेकर 14 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो चलिए आज की जानकारी में समझते हैं कि हम घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल या कंप्यूटर माध्यम से ऑनलाइन आर्म लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, जिसका डेमो अभी आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने ब्राउजर के सर्च इंजन पर टाइप कीजिएगा ये लिंक। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट इस लिंक को ओपन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आर्म्स लाइसेंस की इस ऑनलाइन वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके पेज पर आ जाएंगे, जहां जब आप इस निशान पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे कई प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, अप्लाई ऑनलाइन, हु इज एलिजिबल और हाउ टू अप्लाई, ऐसे आप यहां से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहां अप्लाई एयर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी चूज करेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरर है, इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है, स्पोर्ट्समैन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां से चूज कीजिएगा। और उसके बाद चूज करने के बाद आपके पास ऐसा एक पेज ओपन होगा, जहां आपको सबसे पहले अपना स्टेट बताना है और फिर यहां अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नेम ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यानी यहां से आपको क्लिक करेंगे तो आपको अथॉरिटीज के नाम बताए जाएंगे, आप उसमें से अपना सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे यहां सर्विस में से आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां कई सर्विस दिखेंगी, एप्लीकेशन फॉर्म A1 फॉर ग्रांट ऑफ न्यू आर्म लाइसेंस, अगर आर्म लाइसेंस न्यू चाहिए तो ये, रिन्यूअल करवाना है तो आप इस सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आपको अपने लाइसेंस को कैंसिल करवाना है तो आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसी कई ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उन ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं। डन करने के बाद आपके सामने 3 स्टेप्स में एक फॉर्म ओपन होगा, जहाँ सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ जिसके भी आगे स्टार मार्क है आपके लिए वो मैंडेटरी है उसे फिल करना, जिसके आगे स्टार नहीं होगा आप उसके लिए वो ऑप्शनल है, आप बता भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट के आगे स्टार है, यहाँ मैंडेटरी है, यहाँ एप्लीकेंट का नेम बताइएगा और उसके पेरेंट्स या स्पाउस यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा और फिर नीचे यहाँ स्पाउस के नेम या पेरेंट का नाम यहाँ डाल दीजिएगा। नीचे यहाँ इस 4th ऑप्शन में जेंडर को सिलेक्ट करना है, फिर बर्थ की कंट्री क्या है, इंडिया सिलेक्ट कीजिएगा, बर्थ का स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और फिर स्क्रॉल डाउन करने पे आप यहाँ नीचे अपना ईमेल एड्रेस बताएंगे, पैन नंबर यहाँ आपको बताना है, ये ऑप्शनल है, बता भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। नीचे आप प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे अपना, ध्यान से डालीजिएगा। यहाँ आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने पे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको बताना है अपनी प्रेजेंट एड्रेस में आप कब से रह रहे हैं, उसकी डेट यहाँ मेंशन कीजिएगा, टेलीफोन नंबर आप बता सकते हैं, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का यहाँ आपको एड्रेस देना है, ये भी मैंडेटरी है, और फिर नीचे आप यहाँ परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ इसे भर भी सकते हैं, और फिर नीचे आप अपना ऑक्यूपेशन डालेंगे और फिर ये जो इमेज के रूप में आपको कैप्चा कोड दिख रहा है इसको यहाँ एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा भरना चाहते हैं तो यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हम एडिशनल डिटेल यानी इस फॉर्म के सेकेंड स्टेप पर आ जाएंगे, जहाँ हमें कुछ डिटेल्स बतानी है और इस चेक बॉक्स पर टिक करके हम इस डिटेल को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे पास क्रॉप है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए तो हम इस पहले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज से ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर हम पहले कन्विक्टेड हो चुके हैं, कहीं दोषी पाए गए हैं, तो हम इस सेकंड चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ऐसे ही अगर हमें शांति भंग करने का कभी नोटिस मिला है, हमें कभी पाबंद हुए हैं, तो हम यहाँ टिक करेंगे। अगर हम आर्म एक्ट के अंदर कभी प्रोहिबिटेड हुए हैं लाइसेंस लेने के लिए, तो हम इस
फोर्थ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और अगर हम इससे पहले भी अप्लाई कर चुके हैं लाइसेंस के लिए तो हम फिफ्थ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया था, रिवोक कर दिया गया था या सस्पेंड हो गए थे तो हम इस सिक्स्थ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर हमारी फैमिली में किसी के पास पहले से ही लाइसेंस है तो हम इस लास्ट चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इनको डिटेल को पढ़ के आप अपने अकॉर्डिंग चेकबॉक्स को फिल करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम इस फॉर्म के थर्ड स्टेप पर आ जाएंगे जहां हमें लाइसेंस की स्पेसिफिक डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले तो हम यहां अपने लाइसेंस की नीड, हमें क्यों जरूरत है उसका रीजन यहां बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम अपने वेपन की कैटेगरी, उसका टाइप बताएंगे थर्ड नंबर पर। फिर हम यहां अपने वेपन की वैलिडिटी सेलेक्ट करेंगे, हमें ऑल इंडिया के लिए चाहिए, स्टेट के लिए चाहिए, किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहिए, हम उसे यहां से सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर हमारे पास क्रॉप है और हमें अपने जानवरों से, किसी जानवर से प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो हम उस वाइल्ड एनिमल की यहाँ डिटेल फिल करेंगे और उसके बाद अंत में इस कैप्चा कोड को फिल करके फिनिश पर क्लिक कर देंगे। फिनिश करने के बाद हमारे सामने ऐसा एक पेज ओपन होगा जहाँ हमें अपने एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर को यहाँ से आप कॉपी करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं, जिससे आप फर्दर कम्युनिकेशन की डिटेल चेक कर पाएंगे, अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे एप्लीकेशन के। दूसरा, आप नीचे यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के में अपनी अपलोड कर सकते हैं इमेज, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये फोर्थ स्टेप है। जिसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ आपको अपनी इमेज यहाँ पर चूज करनी है, फाइल अपने कंप्यूटर या मोबाइल से। और दूसरा, आप यहाँ डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे जो आपने स्कैन करके पहले से ही रखा होगा। फिर यहाँ अपलोड के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आप अपनी फाइल यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन की फाइल को, जिसके बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आपको यहां एक एड्रेस दिया गया है। आप अपनी इस एप्लीकेशन की प्रिंटआउट निकाल के उसकी हार्ड कॉपी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आईडी प्रूफ के रूप में आपका आधार कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड वगैरह, एज प्रूफ, आपकी मैट्रिक की डीएमसी वगैरह होगी, फिटनेस प्रूफ, इनकम प्रूफ में आईटीआर आ जाएगा आपका, और लेटेस्ट जो फोटोग्राफ है इसके साथ, ये हार्ड कॉपी को आप इस एड्रेस पर जो यहां दिया गया होगा उस एड्रेस पर आप इसे जमा करवा दीजिएगा, जिसके साथ आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे। आप इसे अपने स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो आपने कॉपी किया था, और यहाँ आप उस डेट को या अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल दीजिएगा और फिर यहाँ एंटर करेंगे ये कैप्चा कोड और सबमिट पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको यहाँ अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता चल जाएगा कि वो कम्प्लीट हो चुकी है या अभी पेंडिंग है। तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की जानकारी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।